Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। आप सभी को पता है कि न्यूज से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेगी। खास करके अगर आज हम बात करेंगे तो आज की जो खबर है वो हम शुरुआत करेंगे बिहार से। जी हाँ, बिहार से, इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव है और कुछ ही 2-3 महीने के बाद बिहार में जो चुनाव की बिगुल है वो फूंक दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन का जैसे ही डेट सामने आता है उसके बाद से बिहार की राजनीति और बिहार में सीट बंटवारे, टिकट बंटवारे और जिस तरीके से बयानबाजों की लड़ाई है वो जारी हो जाएगी। इसके बाद से अब जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दल, खास करके अगर हम बात करें महागठबंधन की बात करें या फिर NDA अलायंस की बात करें, दोनों पार्टियां जो है अपने अपने नेताओं को साधने में लग गई हैं और अपनी अपनी रणनीति तैयार करने लग गई हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डेट है अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन तमाम पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेते हुए और खास करके वर्चुअल रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटली प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर लोग जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे चुनाव आता है तो राजनीति में उछल पछल मचता ही रहता है, उछाल तो होता ही रहता है। इधर के नेता उधर जाते हैं और उधर के नेता इधर जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब बारिश होती है तो टर-टर करने वाले बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार से जब चुनाव आता है तो चुनाव में लोग अपने फायदे देखने के लिए कभी इस पार्टी को छोड़ते हैं, कभी उस पार्टी को छोड़ते हैं और इसको लेकर कई सारी चीज़ें होती है जो कि राजनीति में इतना नीचा स्तर गिर जाता है कि आपको भी सोचकर ऐसा लगता है कि क्या चुनाव में ऐसा होना चाहिए। खैर, ये तो बात हो गई चुनाव की, लेकिन जो बिहार में गहमी मची हुई है वो है महागठबंधन को लेकर। महागठबंधन में आप सभी को पता है कि 5 MLC ने जदयू जो है जनता दल यूनाइटेड ने 5 MLC को तोड़ दिया। उसके बाद से रघुवंश प्रसाद सिंह ने RJD से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी ये मनाने का तौर जारी है कि जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह एक दिग्गज नेता है RJD के और लालू यादव के साथ बहुत करीबी संबंध है उनका और ग्राउंडली जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरीके से जाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसान है, जिसके चलते वो लगातार मनाने में लगी हुई है। ये तो बात हो गई महागठबंधन की, और मांझी भी हावी पड़ रहे हैं ताकि उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहिए ताकि सीटों का बंटवारा बेहतर तरीके से हो और कैंडिडेट अपने अपने विधानसभा सीटों की तैयारी अच्छे से करें। लेकिन अगर हम बात करें NDA अलायंस की, तो NDA अलायंस में आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP और जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP है। आप सभी को पता है तीनों पार्टियां जो है इंटैक्ट है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में तीनों पार्टियों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था और एक साथ चुनाव लड़ने के बाद 17-17 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इसके बाद से LJP जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से लगभग 40 सीटों में से 39 सीटें जीतने में कायम रही और LJP जो है अपने 100% सीटों पर जीत हासिल की। अब बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है तो LJP चाहती है कि हमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छे सीट्स मिले, अच्छे हम वहां से विधायक चुने ताकि सरकार में हमारी अहम भूमिका है। इसको लेकर चिराग पासवान ने बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि खुफिया जानकारी के यानी कि जो सूत्र होते हैं उनसे पता चला था उनको कि जो NDA यानी कि BJP और जो जनता दल यूनाइटेड है वो कहीं ना कहीं सिर्फ LJP को 30 से 35 सीट देने पर बात कर रही है। जैसे ही ये खबरें पता चली LJP प्रमुख यानी कि चिराग पासवान को, उसके बाद से चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ते हुए उन्होंने बता दिया कि आप जो है इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, चुनाव की तैयारी कर लें, चाहे भले ही हमें मैदान में अकेले आना पड़ो और हम अकेले आएंगे और जैसी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार आप जो है कमर कसकर तैयार हो जाएं। इस बयान के बाद भगदड़ मच गई, और भगदड़ मची किसमें, तो BJP और JDU में, क्योंकि एक बड़ा बयान था जिस तरीके से अलायंस के बीच ऐसी चीजें हुई तो एक बड़ी चीजें हो जाती है। उसके बाद से आनन फानन में BJP के दिग्गज नेता हैं और उनका नाम है, अगर हम बात करें BJP के जो दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र यादव दिल्ली जो है चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश की। हालांकि चिराग पासवान ने ये बातें रखी, जिस तरीके से लोकसभा में सीटों का बंटवारा हुआ था वैसे ही विधानसभा का बंटवारा उसी आधार पर होना चाहिए और
कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि प्रेशर की राजनीति की जा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें जो सीट पसंद है उस सीटों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और इसको लेकर भूपेंद्र यादव ने उन्होंने सांत्वना दी है, कहा है कि ठीक है आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। और वो नीतीश कुमार से परेशान है, खास करके अगर हम बात करें जिस तरीके से लगातार सरकार पर सवाल उठाते आते हैं LGP के प्रमुख जो हैं चिराग पासवान, इसके बाद से कोरोना महाकाल में भी जिस तरीके से महामारी से लोग जूझ रहे और गरीब मजदूरों के लिए उनसे नीतीश कुमार से कुछ बातें की थी, हालांकि नीतीश कुमार उस बात को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिए, जिसके बाद से शायद उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है, जिसके बाद से इस प्रकार का माहौल बना और फिर इस प्रकार की बातें आ गई। जब ऐसी बातें आई एनडीए में और एनडीए में तकरार की बातें आई तो महागठबंधन कैसे चुप रह सकता है। महागठबंधन हालांकि अपोजिशन में है और इस प्रकार की जब हलचलें हों किसी पार्टी में तो कैसे पीछे हट सकता है। और वो दो कदम आगे आकर RJD के जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उनका नाम है भाई बीरेंद्र ने ये कह दिया कि LJP के प्रमुख यानी कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ हमारे पार्टी में आ सकते हैं, उनका स्वागत है, वेलकम है। क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं उनको तोड़ा जाए ताकि उनके समीकरण को बिगाड़ा जाए और उनके राजनीति का जो पूरा इंटैक्ट है उसको तोड़ा जाए ताकि आने वाले चुनाव में फायदा हो। तो भाई बीरेंद्र ने RJD के लिए LJP प्रमुख यानी कि चिराग पासवान के लिए दरवाजा खोल दिया है और उन्होंने दरवाजा खोलते ही बहुत सारी बातें बोली, जिस तरीके से SC ST Act को यानी कि बिल को लेकर जिस तरीके से BJP ऐसा विरोधी कहा जाती है और इस तरीके का अगर देती है तो कहीं ना कहीं ये दुखदाई है। और खास करके LJP एक दलितों के चेहरा के सामने से वो चुनाव लड़ती है और खुद जो हैं जो अगर हम बात करें उनकी चिराग पासवान की या फिर रामविलास पासवान की, तो खुद एक दलित समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानों को निचोड़ते हुए उन्होंने कहा कि BJP उन्हीं के खिलाफ ऐसी रणनीति बनाकर ऐसे कानून पास कर रही है और वैसे नेता उन्हीं के साथ जुड़े हैं जिसके चलते उनकी राजनीति पर असर पड़ सकता है। इसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद LJP अगर बात नहीं बनती है तो शायद वो महागठबंधन में शामिल हो जाए और फिर महागठबंधन के माध्यम से RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन ये असंभव है, असंभव कहने का मतलब कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि BJP रणनीतिकार है और BJP अच्छी तरीके से राजनीति जानती है और किसको कहां पर सेट करना है पूरे बढ़िया तरीके से जानती है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान को BJP मना पाती है या फिर चिराग पासवान अलग होकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।